होगा पिज्म। तो पिज्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी क्लास टेंथ में था। क्लास टेंथ में क्या था थोड़ी बहुत जानकारी, मान लो कि एक प्रिज्म है, अगर प्रिज्म ऐसे रखे हैं तो प्रिज्म से दो सरफेस होती है, एक सरफेस ये सरफेस, एक सरफेस ये सरफेस। इन दोनों को अगर ये दोनों ट्रांसपेरेंट सरफेस को दोनों को ज्वाइन करते हैं तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो प्रिज्म एंगल कहलाता है। और इससे व्हाइट लाइट अगर जाती है तो क्या होगा, सेवन कलर में क्या हो जाए, डिस्पर्स्ड हो जाती है। इतनी जानकारी हमें क्लास टेंथ में थी। बट क्या होता है, एंगल कितना डेविएट करेगा, डेविएशन के बारे में नहीं पता था। और क्या होगा कि रिफ्रैक्शन के बाद एंगल क्या बनेगा, इसके बारे में जानकारी नहीं था। थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे और प्रिज्म के बारे में लेते हैं। तो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म ये दो सरफेस ट्रांसपेरेंट सरफेस को मीट करते मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक प्रिज्म बनता है। और ये तुम्हारा दिया रहता है, ये तुम्हारा है एंगल, प्रिज्म एंगल, ठीक है। तो यहां पे दो सरफेस मान लो, ये सरफेस है, ये बी सरफेस है और ये सी। तो यहां पे दो सरफेस है, एक ए बी एक सरफेस है और ए सी दूसरी सरफेस है। तो इन दोनों सरफेस से क्या लाइट रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन होने का क्या रीजन है, कैसे नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल की ओर आएगी, इस बारे में बात करते हैं। देखो क्या है, यहाँ पे एयर एक मीडियम है, यहाँ पे प्रिज्म एक मीडियम है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वन होता है, मी नॉट मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कोई भी मीडियम है जिसका मान लो मी क्या है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस प्रिज्म का। तो यहाँ पे मी नॉट जो है वो कम है म्यू से, इसका मतलब क्या होगा, जो भी प्रिज्म बना है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसका मतलब ये हो गया, ये जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है और जो बाहर का जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है। जब भी लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है तो नॉर्मल की ओर शिफ्ट हो जाती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो मुझे एक नॉर्मल डालना पड़ेगा तभी डिसाइड कर पाएंगे कि नॉर्मल तरफ शिफ्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। एक नॉर्मल डाल दिया तो इसका मतलब इसको लाइट को जाना था इधर, बट वो क्या होगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाने की वजह से लाइट थोड़ी सी क्या होगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी और नॉर्मल से नॉर्मल की ओर शिफ्ट हो गई। क्या होगी, नॉर्मल की ओर शिफ्ट हो गई। अब क्या होगा, ये दूसरा सरफेस है एसी, एसी क्या है, एक दूसरी सरफेस है। अब यहाँ पे देख रहे हैं लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये भी लाइट रिफ्रैक्शन होगा, अब नॉर्मल से दूर जाएगा या नॉर्मल के करीब जाएगा इसकी बात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस पर हम नॉर्मल डालते हैं। जैसे इस पे नॉर्मल डालते हैं तो क्या है, अब डिसाइड करने के लिए मुझे हो गया कि नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल की ओर जाएगी। तो यहाँ पे ये डेंसर मीडियम है, ये क्या है, रेयर मीडियम है। तो ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाती है तो लाइट जो है नॉर्मल से अवे जाती है, नॉर्मल से अवे, ये नॉर्मल से अवे होगी। तो नॉर्मल से अवे ये माना क्या है, ये एंगल जो है इंसिडेंट एंगल क्या आई वन है फर्स्ट सरफेस का, ये क्या है रिफ्रैक्शन आर वन फर्स्ट सरफेस का, और ये क्या है इंसिडेंट एंगल सरफेस टू का, ठीक है, ये क्या है आई टू है, ये एंगल हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये क्या दिख रहा है आपको, कि ये ए जो है ए फ्रॉम ज्योमेट्री क्या दिख रहा है, फ्रॉम ज्योमेट्री हम बनाते हैं वहां पे एक ज्योमेट्री जो दिख रहा है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये फिगर जो क्लीन होना जरूरी है, ठीक है। ये क्या एक नॉर्मल है, ठीक है, ये भी क्या एक नॉर्मल है, ये ए है, ये मान लेते हैं ए बी सी, इसको मान इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, इस पॉइंट को ई मान लेते हैं और इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ या क्यू, क्यू मान लेते हैं, ठीक। तो ये एंगल क्या है, इस पॉइंट को माना था डी या डी पॉइंट है, इस पॉइंट को माना था ई ई पॉइंट है और इस पॉइंट को माना है क्यू, ये क्यू पॉइंट है। तो देख क्या है, ये एंगल ए है, ये एंगल क्या है थीटा, ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल क्या है 90 डिग्री है। अगर इसको हम जानते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है, इन चारों क्वाड्रिलेटरल होने की वजह से
क्वाड्रेटर होने की वजह से कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 360, मतलब चारों कोणों का योग जो होगा 360 के बराबर होगा। इसलिए लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360। जबकि ये डी पॉइंट भी नॉर्मल था ना, ये जो लाइन दिख रहा है आपको ये नॉर्मल था है ना, तो इसलिए जो डी है वो 90 डिग्री होगा। प्लस एंगल ई जो है ये भी क्या है, नॉर्मल था इसलिए ये भी क्या हो 90 डिग्री लिखा। एंगल ई 90 डिग्री। एंगल क्यू के बारे में नहीं पता क्या है एंगल क्यू, और एंगल ए तो हम एंगल ए ही रखते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू 360। ये 90 90 180, मतलब ये एंगल ए प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 180, इट बिकम्स एंगल ए प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। इक्वेशन वन ये क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ये एंगल जो दिख रहा है ये एंगल क्यू एंगल और ए एंगल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल जो दोनों का सम क्या होगा 180 के बराबर होगा। अब आते हैं ज्योमेट्री ना, फ्रॉम ज्योमेट्री फिर से ज्योमेट्री की बात करते हैं। इस जो प्रिज्म है, प्रिज्म की ज्योमेट्री की बात करते हैं, फ्रॉम प्रिज्म ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, डी क्यू ई की बात कर लेते हैं। ये डी क्यू और ई, ये एंगल क्या है, ये क्या है डी पॉइंट है, ये पॉइंट ई पॉइंट है, और ई पॉइंट क्या है ये क्यू पॉइंट है। ये पॉइंट दिख रहा है आपको आर वन यहाँ पे, ये पॉइंट दिख रहा है आपको आर टू, और ये एंगल क्या है थीटा। अब सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इट बिकम्स 180 डिग्री, या कह सकते हैं त्रिभुज के तीन कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए ये 180 के बराबर हो गया। ठीक है, अब जान रहे क्या है, ये भी इक्वेशन क्या है, इसको इक्वेशन टू मान लिया। अब देख क्या रहे हैं कि दोनों 180 के बराबर है, इक्वेशन वन भी और इक्वेशन टू भी 180 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, दोनों इक्वेशन से बात करेंगे, दोनों 180 के बराबर, इसलिए दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर लेते हैं। ए प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल क्यू। एंगल क्यू क्या होगा, खत्म हो जाएगा, इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल क्यू। एंगल डी जो होगा वो आर वन होगा, और एंगल ई जो होगा वो आर टू होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए, मतलब ये दोनों एंगल जो है आर वन और आर टू दोनों को जोड़ेंगे वो ए के बराबर होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला ध्यान से रखना। पहला ये कि ए और थीटा दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होता है। दूसरी चीज ये आर वन प्लस आर टू दोनों को ऐड करेंगे तो प्रिज्म एंगल के बराबर होता है। ये दो पॉइंट हम लोग को याद रखना होगा क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब ये होता है कि अपने पथ से कितना विचलित, मतलब अपने पथ से कितना चेंज हुआ है उसको बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, तो देखो क्या है, इस रे को जाना था इस डायरेक्शन में, इस रे को जाना था इस डायरेक्शन में, बट गया कैसे, ये ऐसे, मतलब कि अपना जो पथ है वो इतना ही, अपना जो रे का जो रास्ता है वे है वो इतना जो है चेंज किया है, इसको जाना था इधर लेकिन गया किधर, इधर। इसका मतलब पहला जो डेविएशन हुआ ये डेविएशन हुआ, एग्री। और ये डेविएशन कैसे निकालेंगे, देख क्या रहे हैं, ये तुम्हारा आई वन है, ये पूरा एंगल आई वन है, तो क्या होगा, ये दो है ये भी क्या होगा, पूरा का पूरा क्या होगा आई वन ही होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दोनों क्या होगा बराबर होता है, तो ये भी आई वन ही होगा। तो आई पूरे आई वन में से ये आर वन को माइनस कर दें, ये आर वन को माइनस कर दें तो ये एंगल मिल जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं आई वन माइनस आर वन। ये फर्स्ट रे का डेविएशन ये होगा आई वन माइनस आर वन, एग्री। अब बात करते हैं सेकेंड रे का डेविएशन। सेकेंड रे का डेविएशन क्या होगा ये देखते हैं, अब क्या है, इसको जाना था, इस रे को जाना था इधर सीधा, लेकिन कहाँ जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। सबसे पहले तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा पूरा क्या होगा,
ये आर टू है, पूरा का पूरा क्या है आई टू होगा, क्योंकि ये भी आई टू है, ये भी क्या होगा आई टू माइनस आर टू। ठीक, तो अब देखेंगे हम डेविएशन की बात के, मतलब ये एक एंगल बन रहा है ए डी एंड ई, एक ट्रायंगल बन रहा है, ए डी क्यू के बारे में बात करते हैं, क्या होता है ए डी क्यू। ठीक है, डेविएशन फॉर डेविएशन के लिए ना, अब बात करते हैं हम डेविएशन का। ठीक है, डेविएशन में देखो ट्रायंगल बना के शो करते हैं, क्या ट्रायंगल बना है ना, ये मान लेते पी, ये पी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और ये तुम्हारा क्या है ई पॉइंट है। ठीक है, ये जो तुम्हारा एंगल होगा वो एंगल है आई वन माइनस आर वन, और ये तुम्हारा एंगल जो है आई टू माइनस आर टू, और ये एंगल तुम्हारा क्या है, ये एंगल मुझे नहीं पता है कितना होगा, मुझे निकालना है डेविएशन। डेविएशन का मतलब ये होता है कि दोनों रे के बीच का एंगल, ये रे जो इधर से गया था ये रे, और रे दूसरी रे जो था तुम्हारा क्या था, रे ऐसे जा रहा था ना, रे ऐसे जा रहा था, लेकिन हम क्या उसको पीछे करके यहाँ ले आया, ये इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, इन दोनों बीच का एंगल जो है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिव रे के बीच का जो एंगल होगा यही कहलाएगा डेविएशन। ये क्या कहलाएगा डेविएशन, क्योंकि ये इंसिडेंट रे तुम्हारा ये रे ऐसे जाएगी ऐसे निकल जाएगी, और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो, लाइट ऐसे टकरा के ठीक इधर जानी था, लेकिन इन दोनों के बीच इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिव रे के बीच का जो एंगल होता है वही कहलाता है डेविएशन। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा डेविएशन, अगर ये डेविएशन है इसका मतलब ये क्या होगा 180 माइनस डेविएशन, क्यों पूरा का पूरा एंगल क्या 180 डिग्री होगा, इसलिए 180 माइनस डेविएशन। तो आप देख सकते हैं क्या कि पूरा 180 माइनस डेविएशन प्लस ये एंगल आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू, इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या 180 के बराबर होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो ये कैंसिल हो गया, तो डेविएशन फिर उस तरफ ले चले गए, तो I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 इज इक्वल टू डेविएशन। अब डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा, I1 ये I1 प्लस I2 लिख दिया, माइनस साइन R1 प्लस R2। अब डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 के A के बराबर लिख सकते हैं। ये क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डेविएशन के लिए, I1 प्लस I2 इज इक्वल माइनस 1, I1 प्लस